उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने ईंट भट्टा मालिक की निर्मम हत्या कर दी। अचानक हुए जानलेवा हमले में मृतक के 3 साथियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। एक घायल की हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही ASP नम्रता श्रीवास्तव और CO राधा रमन सिंह भी मेमोरियल चिकित्सालय पहुंच गए और शोकाकुल परिवार को हत्यारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सुरक्षा की दृष्टि गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी है। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है और गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। गाँव है दलिया थाने में। कल रात 8 बजे एक घटना हुई जिसमें दिलबहार पुत्र साहबुद्दीन के ऊपर 5 लोगों ने हमला किया, चाकू से वार किए, जिसमें वो घायल हो गए और उनके बचाने में 3 अन्य लोग भी घायल हुए। उन लोगों को लेकर लोग जिला अस्पताल आए, जहां दिलबहार की मृत्यु हो गई। अन्य सभी का इलाज अभी चल रहा है। पुराना कोई आपराधिक इतिहास? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।